केजरीवाल जी समर्थन मांगेंगे तो हम समर्थन देने के बारे में विचार कर सकते हैं, तो वो तो बात उनके साथ भी लागू होती है, वो कहते हैं हम तो उनके भी खिलाफ लड़े थे। अरे भैया, आप सब राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ लड़े थे, आप जनता के खिलाफ तो नहीं चुनाव लड़े थे ना, जनता के लिए चुनाव लड़े थे, और जनता के मुद्दे पूरे करने के लिए जब आपको वहां समर्थन मिल रहा है, बहुमत से क्या करना चाहते हैं? क्या अपनी ताकत तो नहीं दिखाना चाहते ना, काम करना चाहते हैं ना, और सरकार बनाना चाहते हैं। तो जब सरकार बन सकती है और काम हो सकते हैं तो हमें काम की बात करनी चाहिए, बिना काम की बातों में, फिजूल की बातों में हेडलाइंस बनाने के लिए हमें जो है रोज के रोज नए नए बयान नहीं देने चाहिए। देखिए, हम तो वर्तमान में जीते हैं, अतीत व्यतीत हो चुका है, भविष्य अभी अनागत है, इसलिए वर्तमान की बात करें तो देश के लोग ये देख रहे हैं कि भाई इनको अपनी ताकत दिखानी है या जनता के भलाई के मुद्दों पर इनको काम करना है। तो जनता के भलाई के मुद्दों पर काम करने के लिए आपके सामने कोई समस्या मुझे नजर नहीं आती है। समलैंगिक लोगों ने दुनिया में कौन सा इतिहास बनाया वो भी बता दो। नहीं कि समाज को पीछे लेकर के गए हैं, तो समलैंगिक लोगों ने शिक्षा में, स्वास्थ्य में, पर्यावरण में, राजनीति में, जो है किस क्षेत्र में ऐसा इतिहास बनाया कि पूरी दुनिया के सामने वो आदर्श बनकर के सामने आए। ये मानवीय अधिकारों का हनन नहीं, ये पशुता के अधिकारों का हनन कह रहे हैं। दुराचार और व्यभिचार करने वाले यदि सभ्य कहलाते हैं तो मैं सभ्य कहलाना पसंद नहीं करूंगा। किसी भी धर्म ग्रंथ में समलैंगिकता को नैतिक नहीं कहा है, इसका मतलब वो सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार अनैतिक है। हमारे यहाँ पर पाप का निषेध नहीं किया जाता, हमारे सभी ग्रंथ विधि प्रधान है, निषेध प्रधान नहीं, उसमें 99% पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो ये एक तरह से लाइफ का नेगेटिव एस्पेक्ट है। हमारे शास्त्र धर्म की बात ज़्यादा करते हैं, अधर्म की बात नहीं। तो जो भी धर्म विरुद्ध आचरण वो सभी अधर्म की श्रेणी में कहलाता है। नैतिक आचरण की बात हमारे शास्त्र करते हैं, जो अनैतिक आचरण है वो अपने आप नैतिक आचरण के विरुद्ध जो भी होगा वो सब अनैतिक आचरण होगा। हमको कभी भी अनैतिकता का पोषण नहीं करना चाहिए, उसको महिमा मंडित नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने बार बार कहा इस बात को, हम कभी भी अनीति का समर्थन न करें। सत्ता का काम अनीति का समर्थन करना नहीं है, अपितु जहां जहां अनीति है उसको निरुत्साहित करने की आवश्यकता है। पिछला जो कोर्ट का निर्णय आया उससे जो है होमोसेक्सुअलिटी जैसे अनैतिक कार्यों को प्रोत्साहन मिला, यही एक बहुत बड़ी बात है इस पूरे निर्णय के पीछे। बाकी आंतरिक रूप से मैंने कहा कौन क्या कर रहा है, तो दो व्यक्ति यदि अनैतिक आचरण कर रहे हैं पर्दे के पीछे तो उनको रोक कौन सकता है, लेकिन समाज में किसको हमें प्रश्रय देना है, प्रोत्साहन देना है, किसको हमें महिमा मंडित करना है और किसको नहीं, ये तो समाज में हमें सोचना ही पड़ेगा। देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं वो नैतिक धरातल पर कर रहा हूं। नैतिक और अनैतिक ये है बहन, यदि हमारे माता पिता होमोसेक्सुअल होते तो हम पैदा ही होकर के, हमारे माता पिता होमोसेक्सुअल होते तो हम यहाँ पैदा होकर के आते ही नहीं, तो हम माता और पिता शब्दों का इस्तेमाल ही ना कर पाते। इसलिए मैं कह रहा हूँ, पहली बात ये अप्राकृतिक है, क्योंकि कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसका बेटा किसी लफंगे को बहू बना करके घर में लेकर के आए। कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि उसकी बेटी पति के रूप में किसी लड़की को घर में ले आए। मैं उन करोड़ों माता पिताओं का प्रतिनिधित्व भी करता हूं, इसलिए आप लोग अपनी माँ से एक बार सलाह करके मेरे को उत्तर देंगे तो अच्छा लगेगा कि क्या आपकी माँ आपकी शादी किसी लड़की से करना चाहती है। जब आपकी माँ यदि आपके लिए कोई बहन है, यदि आप और किसी बहन को पति के रूप में स्वीकार करें तो मैं आपकी बात मान लूंगा। माँ का मतलब एक मर्यादा है, माँ का मतलब एक संबंध है, वहां आपकी और मेरी माँ नहीं बहन। मैंने कहा जो भी होमोसेक्सुअल लोग हैं मैं उनको विनम्रता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, सम्मान और गौरव पूर्वक, क्योंकि वो एक अविवेकपूर्ण आचरण का
शिकार हो गए हैं, गलत लत उनको लग गई है। जिस तरह से हस्त मैथुन आदि करने की एक गलत प्रवृत्ति जवानों में विकसित हो जाती है, तो उसमें कोई जेनेटिक इफेक्ट नहीं होता है। और भी कई तरह से ऐसे अवैज्ञानिक, अमानवीय और अनैतिक, असभ्य तरीके अपनाए जाते हैं मैथुन आदि के लिए, मैंने सुना है। ऐसे ही जिनको ये गलत लत लग गई है और जो इससे मुक्त होना चाहते हैं, मैंने उनको कहा पतंजलि योगपीठ में हम उनको आमंत्रित करते हैं, उनको सम्मान पूर्वक हम इस गलत लत से मुक्त करा देंगे।